हमारी कुल्हड़ की चाय। हेलो फ्रेंड्स, हाय, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोग के लिए सोची कि गुड़ का चाय बनाती हूँ। बहुत लोग होते हैं जिनकी गुड़ की चाय फट जाती है दूध डालते ही, लेकिन मैं आज ऐसे ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी कि आप चाय बनाओगे गुड़ की और बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ गुड़ की चाय बनाना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको प्लीज़ थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी गुड़ की चाय बनाना। तो हम लोग सबसे पहले पानी लेंगे। मैंने 1 कप पानी लिया है। जब तक ये हमारा पानी उबल रहा है तब तक दूध उबालते। तो ये मैंने गैस पे रख दिया है दूध। तो फ्रेंड देखिए, ये मेरा पानी उबल गया है और इसमें अब मैं गुड़ डालूँ। गुड़ अपने मीठा के हिसाब से आप डालिएगा। मैंने 3 गुड़ लिया है क्योंकि मेरा छोटा सा गुड़ था, इसलिए मैंने 3 से 4 गुड़ लिया है। अभी जैसे उबल रहा है फिर हम लोग चाय पत्ती डालेंगे इसके अंदर। जब तक बॉयल होता है तब तक हम अदरक कूट लेते हैं। ये 1 इलायची हम डाल देते हैं अच्छे से, 1 इलायची। और अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब इसको उबालने देंगे। अब ये हमारा दूध उबल गया है। ये देखिए हमारा दूध उबल गया है, हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे से गुड़ भी घुल गया है। ये देखिए अच्छे से पक गया है हमारा। इसको थोड़ा धीमी आंच पे पकने देंगे अच्छे से। अब ये देखिए दूध उबला, दूध हम इसमें डालेंगे। आपकी चाय बिल्कुल भी गुड़ की चाय कभी नहीं फटेगी। इस तरह थोड़ा हिला देते हैं इसको। ये देखिए ये चाय बिल्कुल भी आपकी, ऐसे गुड़ की चाय बनाएंगे तो आपकी दूध कभी भी आपकी गुड़ की चाय फटेगी नहीं। अब इसके थोड़ी देर हम पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी गुड़ की चाय बिल्कुल भी नहीं फटी है। अगर आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो आपकी गुड़ की चाय कभी भी नहीं फटेगी। ये चाय हमारी पक गई है, बिल्कुल अच्छे से ये बन गई हमारी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुल्हड़ की चाय एकदम से रेडी हो गई, गर्मा गर्म ये गुड़ की चाय। तो फ्रेंड आप लोगों ने देखा, मैंने गुड़ का चाय बनाया, मेरी बन गई और ज़रा सी भी नहीं फटी। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मेरी गुड़ की चाय आप लोगों को कैसी लगी। सर्दी में गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। मैं ज़्यादातर जाड़े के मौसम में, बरसात में ज़्यादा गुड़ की ही चाय बनाती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग भी आइए और ये कुल्हड़ वाली चाय। और हाँ एक बात और फ्रेंड्स, ये कुल्हड़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय पीना। जब भी मतलब गुड़ की चाय मैं अक्सर जब भी पीती हूँ तो गुड़ की चाय में कुल्हड़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर बरसात में। बिल्कुल सोंधा सोंधा सा खुशबू आता है इसका, बिल्कुल सोंधा सोंधा सा खुशबू आता है इसका और कुल्हड़। और एक बात, कभी कभी तो मुझे कुल्हड़ मन करता है कि उसको देखते ही मन करता है कि बिल्कुल गुड़ की चाय जैसे जल्दी से पी लूँ। बहुत अच्छा लगता है गुड़ की चाय पीना। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय फ्रेंड्स।